नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं प्रिया हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम सियासी दंगल लेकर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और सभी राजनीतिक दलों की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर लगी हुई है। असल में कुछ समय से ये बात सामने आ रही है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं और इसी का फायदा अन्य विपक्षी दल उठाना चाहते हैं। अयोध्या से शुरू हुआ बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन लखनऊ में समाप्त हुआ। मायावती आज फिर से पुराने अंदाज में दिखाई दी। उन्होंने मंच से सवर्ण जातियों को रिझाने की खूब कोशिश की, साथ ही ये अपील भी की कि दलित और सवर्णों को साथ आकर बीएसपी की सरकार बनानी चाहिए। बीएसपी समर्थकों का नारा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जोर जोर से सुनाई दिया। असल में मायावती 2007 का वो कारनामा 2022 में फिर से दोहराना चाहती हैं, जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। लखनऊ में बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज एक सभा को संबोधित किया। समाज की इस सभा में शंख बज रहे थे, मंत्रोच्चारण हो रहा था, त्रिशूल लहराए जा रहे थे और गणेश की प्रतिमाएं नजर आ रही थी। दरअसल बीएसपी ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन किए। इसका लखनऊ में आज समापन हुआ। समापन के मौके पर मायावती ने रैली को संबोधित किया। कार्यक्रम में मायावती के संबोधन से पहले जय श्री राम और जय परशुराम के नारे भी लगे। इसके साथ साथ पार्टी का पुराना नारा भी लगा, जिसमें हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का शंखनाद किया गया। वहीं मायावती ने रैली को संबोधित करते हुए जनता पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 2007 की तरह फिर से सरकार बनेगी। 1000 सक्रिय कार्यकर्ता पूरे जिले में तैयार करना है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में महिला कार्यकर्ताओं को भी प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें जोड़ा जाएगा। शहरों में प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी तैयार किया जाएगा, जिनकी जिम्मेवारी हमने श्री एससी मिश्र की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा की पूरी टीम को सौंप दिए है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में पहले चरण के तहत खासकर रिजर्व सीटों को तैयार कर रहे पदाधिकारियों को भी ओबीसी व मुस्लिम समाज एवं क्षत्रिय समाज के लोगों को भी पूरे जी जान से उन्हें जोड़ने में लग जाना है। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच वाली पार्टी है और ना ही कभी जनता को छलने का प्रयास किया गया है। बीएसपी की सरकार में किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया गया। सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अकलियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है।
खास करके अपर कास्ट के लोगों के साथ साथ मायावती ने अपील की कि सभी धर्म और जाति के लोग अपने परिवार के हितों के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए बसपा से जरूर जुड़े। मायावती ने जहां लोगों से बीएसपी में शामिल होने की अपील की, तो वहीं उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रलोभन भरे वायदों के बहकावे में आकर इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहुत बड़ी गलती की है, जबकि बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मायावती ने कहा कि बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले कुछ सालों में चाहे सपा की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार, दोनों सरकारों में ब्राह्मणों, दलितों और गरीबों का सिर्फ शोषण हुआ है। सपा सरकार से मुक्ति पाने के लिए भाजपा की बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में वे प्रलोभन आदि में आ गए और उनको अपना वोट देकर उनकी भारी बहुमत की सरकार बड़ी उम्मीदों के साथ बनवा दी, जिस पर ये सरकार अभी तक भी खरी नहीं उतरी है। और अब इस भाजपा सरकार के शासनकाल में भी उन पर जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार, शोषण व द्वेषपूर्ण कार्रवाई आदि होनी कम नहीं हुई है, बल्कि उनके विरुद्ध दिल दहलाने देने वाली ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो देश भर में चर्चा का विषय रहा है। यूपी में अपर कास्ट खासतौर पर ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीएसपी कई जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुकी है और इसकी शुरुआत राम की नगरी अयोध्या से की गई। बसपा के बाद सपा और बीजेपी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए अपर कास्ट वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मायावती के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से दूसरे राजनीतिक दल खासे नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर प्रसपा। सभी राजनीतिक दलों ने मायावती पर निशाना साधा है और इसे सिर्फ एक चुनावी स्टंट बताया है। बहुजन समाज पार्टी हो या दूसरे दीगर दल हो, उन लोगों ने 5 वर्ष जनता से कोई काम नहीं किया, ना जुड़ाव रखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्ष कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के जनता के हर सुख दुख में हाजिर रहती है। ये बरसाती मौसम में निकले हुए राजनीतिक दल है, इनका कोई मतलब नहीं। यह देश तो उदारता की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, समं सर्वे सुभूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। राष्ट्रवाद और समाजवाद के नाम पर इस देश को जातिवाद के अंधकूप में, सांप्रदायिकता के भयावह अंधकूप में भेजने वाले दल को बौद्धिक, वैचारिक, प्रबुद्ध जैसे शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम के ऊपर बहुजन समाज पार्टी, जो कि जातिगत राजनीति करती चली आ रही है, वो निश्चित रूप से ब्राह्मणों का ही सम्मेलन कर रही है, इसके अलावा वो कोई और सम्मेलन नहीं। और ब्राह्मण वर्ग जो है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में कभी भी कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वो चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और ब्राह्मण कभी भी अपनी योग्यता के साथ कंप्रोमाइज करके किसी भी ऐसे राजनीतिक दल में नहीं जाएगा जहां पर जाति प्रमुख हो, ना कि योग्य। बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी अपनी जीत का समीकरण बनाने के लिए सभी दल विभिन्न जाति वर्गों को जोड़ने की हर कोशिश में लगे हुए हैं। पिछड़े और दलितों के अलावा सवर्णों में खास तौर से ब्राह्मणों पर सपा और बसपा की नजर है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ के वर्ष 2007 के सफल फॉर्मूले को दोहराने की मंशा से सोशल इंजीनियरिंग को फिर हथियार बनाया है। ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी गई है। उन्होंने 23 जुलाई को अयोध्या से प्रबुद्ध जन सम्मेलन की शुरुआत की। इसके बाद अलग अलग चरणों में सम्मेलन करते हुए अब तक 74 जिलों में ब्राह्मणों के बीच मंच सज चुके हैं। आखिरी जिला लखनऊ बचा। उत्तर प्रदेश में इस बार जब बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी सन 2007 की तरह, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जिस प्रकार सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमने अपने पूरे कार्यकाल में सर्वजन हिताय अपनी सरकार की हर नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बनाकर जो सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा पूरा ध्यान रखा है, तो मैं आपको ये वायदा करती हूँ, विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोगों को जब आपकी ये सरकार फिर से बन जाएगी तो आप लोगों को सन 2007 के दौरान जैसे हमारी सरकार बनी, जिस प्रकार से हमने आप लोगों के हितों का, अकेले दलितों का नहीं, पिछड़ों का नहीं, अकलियतों का नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का भी, और अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी, क्योंकि उस चुनाव में इनका बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। जहां बीएसपी ने बड़ी संख्या में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण और सवर्ण कास्ट के लोगों को इकट्ठा किया, साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सभा में मौजूद लोगों को संबोधित किया और 2022 में बीएसपी की सरकार बनाने की अपील की। ये तो साफ है कि सभा के जरिए मायावती 2007 की कामयाबी को फिर से दोहराना चाहती हैं। उस समय भी सतीश चंद्र मिश्र ने ब्राह्मण वोटरों के बीच जाकर सम्मेलन किए थे और इसका फायदा भी हुआ था और बसपा को दलितों के साथ ब्राह्मणों का वोट मिला और बहुमत की सरकार बनी। वहीं फिर से बीएसपी इसी सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने की कोशिश कर रही है और 2022 में बहुमत की सरकार बनाना चाहती है। जो हमारे संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को, इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर समतामूलक समाज व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने लगा दी, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनको मैं नमन करते हुए अब आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। झंडा हाथ निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, मैं तुम्हारी मां भी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं तुम्हारी मां भी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं तुम्हारी मां भी जिंदाबाद। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की निगाह रामनगरी अयोध्या पर टिकी हुई है। आज हैदराबाद की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में ताल ठोक दी। इस मौके पर ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद के परिजनों को AIMIM की सदस्यता दिलाई। ओवैसी की निगाह यूपी की 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर टिकी है, लेकिन ओवैसी ये बात जानते हैं कि बिना गठबंधन के वो बीजेपी जैसी पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसी के चलते वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल उनसे गठबंधन करना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन यूपी के राजनीतिक दल भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्हें ये बात पता है कि 2016 के उपचुनाव में ओवैसी ने अयोध्या की बीकापुर सीट पर पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने खिलाड़ी को जिता नहीं पाए थे। हालांकि 2016 के बाद ये तस्वीर काफी बदल चुकी है, लेकिन अभी भी ओवैसी जो चाहते हैं उन्हें यूपी में मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज रामनगरी अयोध्या से अपने अभियान का आगाज किया।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस अवसर पर पूर्व सांसद माफिया आतिक अहमद की पत्नी परवीन और बेटे को अपनी पार्टी में शामिल कराया। अयोध्या के रुदौली में इस अवसर पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित किया और अपने इरादों को भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लोग हमसे गठबंधन की बात कर रहे हैं, हम तो सभी से गठबंधन करने को तैयार हैं, बशर्ते वह लोग हमारे पास आकर बात करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में काफी बातें उड़ रही है, गठबंधन पर अगर समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी को कुछ करना है तो पहले हमसे गठबंधन करने के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, वह लोग पहले बात तो करें। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा इंशाल्लाह। कब तक हम इनको खंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई कैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे, संविधान में इनको इजाजत है, और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब वैसे बोले कि यदि कोई कहता है कि अतीक अहमद पर कई केस हैं और वो जेल में बंद हैं, तो बीजेपी के 116 सांसदों पर विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 87% पर गंभीर आरोप है। यही हाल भाजपा के सहयोगी दलों का भी है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में प्रज्ञा, कपिल, अजय नाम के सम्राट हैं, जबकि अतीक मुख्तार और साहब बाहुबली कहे जा रहे हैं। हमारे भाई अतीक अहमद साहब के ताल्लुक से क्या वो ले रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस बुला हैं, ये हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के एमएलएज हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 एमपी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 87% बीजेपी एमपीज के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। 116 में से जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बीजेपी हैज मोस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएज विद केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एडीआर ये कहता है कि बीजेपी एक एनजीओ है जो तमाम हम लोगों का रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई एमपी एमएलए हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है, 30% उसमें सीरियस चार्जेस हैं उनके ऊपर। और बीजेपी के जो अलाई जेडीयू है उसमें 81% एमपीस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बहुजन समाज पार्टी के अयोध्या से आगाज करने के बाद अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी रामनगरी से अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहली सभा आयोजित की है।
बता दें कि ओवैसी के कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ पोस्टर विवाद का भी अंत हो चुका है। पार्टी ने भूल सुधारते हुए नया पोस्टर छपवाया जिसमें फैजाबाद की जगह अयोध्या लिखा गया। पोस्टर पर फैजाबाद लिखे होने पर संतों ने मोर्चा खोल दिया था। रामनगरी अयोध्या इन दिनों सियासत का दंगल बन चुकी है। रामनगरी पर अब हर दल की नजरें लगी हुई हैं। प्रमुख राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज रामनगरी से करने में लगे हैं। भाजपा और बसपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर चुकी है तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल यात्रा लेकर आ चुके हैं। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह भी रामलला का दर्शन पूजन कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। इन सब के बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी अयोध्या के मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र रुदौली से विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि AIMIM ने यूपी की राजनीति में अयोध्या जिले से ही अपने चुनावी डेब्यू किया था और जय भीम और जय मीम समीकरण को जमीन पर उतारने की कोशिश की थी। अयोध्या के रुदौली में ओवैसी की जनसभा के बाद अब वो सुल्तानपुर एवं बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी की नजर यूपी में मुस्लिम वोटों पर है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी की सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए मुजफ्फरपुर दंगे के बाद सक्रियता दिखाई थी, लेकिन चुनावी रण में पहली बार अपनी ताकत को नापने के लिए उन्होंने अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा सीट को चुना था जो सपा की परंपरागत सीट मानी जाती थी। अब लैला की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू, तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई इतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं। और मकसद परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते। आप मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। बीकापुर से सपा के तत्कालीन विधायक मित्र सेन यादव के निधन के चलते फरवरी 2016 में उपचुनाव हुए थे। सपा ने मित्र सेन यादव के बेटे आनंद सेन को टिकट दिया था तो ओवैसी ने दलित समुदाय से आने वाले प्रदीप कोरी पर दांव खेला था।
महाराष्ट्र में 2014 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित ओवैसी की पार्टी 2016 में पहली बार यूपी में उपचुनाव लड़ रही थी। ऐसे में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के जरिए सफलता हासिल करने के लिए ओवैसी ने AIMIM के टिकट पर उपचुनाव लड़ने के इच्छुक मुस्लिम उम्मीदवारों को नजरअंदाज करते हुए दलित युवा नेता प्रदीप कोरी को मैदान में उतारा। उपचुनाव में प्रदीप कोरी को उम्मीदवार बनाकर ओवैसी दरअसल जय भीम जय मीम यानी दलित मुस्लिम एकता की परख करना चाहते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले यह ओवैसी का एक बड़ा दाव माना गया था। प्रदीप कोरी की जीत के बाद हैदराबाद मुंबई और लखनऊ से आई AIMIM की टीमों ने यहां कैंप किया था। फरवरी 2016 को हुए उपचुनाव में बीकापुर विधानसभा सीट के कुल 3,64,820 वोटों में से 1,67,999 वोट पड़े थे। सपा के उम्मीदवार आनंद सेन यादव को 68,896 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर RLD के मुन्ना सिंह चौहान को 65,456 वोट मिले। इस तरह से सपा को 6,440 वोट से जीत हासिल हुई थी। ओवैसी का दलित कार्ड भले ही बीकापुर में उपचुनाव में ना चल पाया हो, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के लगभग बराबर, जबकि कांग्रेस और पीस पार्टी से कहीं ज्यादा वोट AIMIM उम्मीदवार प्रदीप कोरी को मिले थे। प्रदीप कोरी को महज 11,857 वोट ही मिल सके। वहीं बीजेपी के रामकृष्ण तिवारी को 11,933 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के असद अहमद को सिर्फ 2,945 वोट मिले, जबकि पीस पार्टी के आजमुद्दीन को 2,800 वोट ही मिल पाए थे। हालांकि बीकापुर विधानसभा सीट पर करीब 80,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिसके चलते ओवैसी ने अपनी पार्टी का चुनावी डेब्यू यहां से किया था और दलित कार्ड खेला था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीकापुर में गैर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने के चलते स्थानीय मुसलमान नाराज हो गए थे। मुसलमानों का मानना था कि समुदाय के हित की कीमत पर राजनीतिक लाभ को पूरा करना स्वीकार्य नहीं होगा। इस तरह से ओवैसी का बीकापुर में जय भीम जय मीम का नारा सियासी गुल नहीं खिला सका। अब ओवैसी ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ वो ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर के साथ मिलकर सियासी गठजोड़ बनाने में जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ मुस्लिम मतों को साधने की कवायद में भी लगे हुए हैं। ओवैसी ने इस बार 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये मुस्लिम मतदाता ओवैसी को प्रभावित कर पाएंगे या फिर 2017 वाले नतीजे ही सामने आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी आवाज उठाए। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जरखरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे, संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पिछले उन 2019 के लोकसभा के चुनाव में
सीएसडीएस का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर 70% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। ये मैंने कहा है, हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा हूं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज के सियासी दंगल में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी।